नमस्कार, आईएनसी न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर आ रही है बीजापुर छत्तीसगढ़ से, जहां समाजवादी पार्टी ने अपनी ताल ठोकते हुए प्रत्याशी मैदान में उतारा और आगामी विधानसभा चुनाव में तैयारी की बात की। बीजापुर छत्तीसगढ़ सपा प्रत्याशी ने पहले नंबर पर ठोका ताल। छत्तीसगढ़ प्रभारी तिलक यादव नामांकन के दौरान मौजूद। प्रत्याशी संतोष पुनेम को जनता का मिला अभूतपूर्व स्नेह। नामांकन में उमड़ा भारी जनसैलाब, अखिलेश यादव के नारों से गूंजा आसमान। इन 7 न्यूज के लिए बीजापुर छत्तीसगढ़ से शैलेंद्र पाराशर की रिपोर्ट। प्रकृति ने, जो नेचर ने जो दिया है धन, जो मिनरल दिए हैं, जो जंगल दिया है, जमीन दी है, उसका दोहन किया भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टरों ने, उनके नेताओं ने, और आज पूरी तरह से छत्तीसगढ़ के गरीब और किसान बेहाली में है, दुख में है, तकलीफ में है। इस तकलीफ को मिटाने के लिए हम लोग समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का झंडा लेके यहाँ पे आए, जुमले निकले। जो नरेंद्र मोदी ने वादे किए 5 साल पहले, वो झूठ निकले। यहाँ पे जो रमन सिंह जी की सरकार है पिछले 15 साल में, ये केवल भ्रष्टाचारियों की सरकार है। ये भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। बड़े अधिकारी, बड़े व्यापारी और बड़े नेता जो छत्तीसगढ़ के हैं, इन लोगों ने छत्तीसगढ़ को लूट लिया है। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम करते हैं आपको खबरदार। सच जो कभी छुपा नहीं, सच जो कभी छुपा नहीं, सच्चाई हमें आपके साथ। हर छोटी बड़ी खबरों पर नजर, जिसका सीधा सरोकार आपसे। कस्बे तो शहर और सूबे की बात हम करते हैं सीधे आपके साथ। सच जो कभी झुका नहीं, सच जो कभी रुका नहीं, सच से सच्चाई तक हम हैं INC।